हेलो जी सारे वीरां नूं मेरा सत श्री अकाल। एंड चलो आज यार कुछ मैंने सोचा कि आज क्या किया जाए। बहुत देर से बोरियत चढ़ रही है, देख रहे हो हुडी पहन के बैठा हूँ, इस भरी गर्मी में हुडी पहनी हुई। अब मैं क्यों पहनी है वो मैं तुम्हें बताऊँगा। पहले जो मेन काम है, काम ये है कि पौधों को पानी डालना है। पौधों को पानी डालने के लिए धूप है तो धूप की वजह से बॉडी टैन हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा हुडी पहन लेता हूँ, उसके बाद मैं चेंज कर लूँगा। क्यों नहीं होगा, आज मैं एक हफ्ते बाद नया हूँ, जिम बंद हुए, मेरा मन नहीं था नहाने का, कुछ भी करूँ पढ़ाऊँ बस लेटाऊँ बस यही है मेरा। एक हफ्ते बाद आज नहाया मैं, जैसे थोड़ा जुकाम हो गया था, तो तुम्हें पता ही, अगर पिछला ब्लॉग तुमने देखा हो क्यों जुकाम हुआ, पिछला ब्लॉग देख के पता लगा लेना कि वो जुकाम क्यों हुआ, तब बताऊँ। अभी तो ये भर रहा है, तुमने देखा जैसे कि भर रहा है। एंड इसके बाद पहले भर लेते हैं, फिर डालते हैं पानी, फिर बताता हूँ आगे करना। फोन इज नॉट एट ऑल ईजी यार। मैं क्या कर रहा था, एक्चुअली बाहर धूप है, जैसा कि तुमने सब टाइम लैप्स सब देखे, जैसे कि बाहर धूप है, तो यार फोन मेरा ओवर हीट होने के बाद मुझे एक नोटिफिकेशन आया, मैंने स्किप कर दिया, फिर से मैंने कैमरा खोला, मेरे पे फिर नोटिफिकेशन आया, वो मैं यहाँ ड्रॉप कर दूंगा साइड में, आप लोग देख लेना। एंड सच में व्लॉगिंग विद दिस फोन इज नॉट एट ऑल ईजी, एडिटिंग विद इट, रिकॉर्डिंग विद इट, सब कुछ ईजी नहीं है मेरे लिए, तो स्पेशली नहीं है, बिकॉज मेरा 64x64 की इसकी रैम और रोम है, तो बहुत हैंग मारने लगा है। एंड इसको लगभग जब मेरे 10th के बाद मुझे फ़ोन मिला था, क्लास 10th के बाद जैसे ही मेरे एग्जाम्स ओवर होते थे, मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी थी पापा मुझे ये फ़ोन दिलाओ, रेडमी नोट 7 प्रो, उस टाइम पे ये मिल ही नहीं रहा था, उस टाइम पे ये ब्लैक में खरीदना पड़ा था, 14,000 की उस टाइम ये कॉस्ट थी, मैंने 16,000 में से परचेज किया था, बट स्टिल इसका कैमरा अभी भी बढ़िया है जैसा कि आप देख सकते हो। तो आई नीड सम न्यू गैजेट्स नाउ, बट क्या करें, अभी घर वालों से नहीं मांग सकते, मांग लिया तो डंडा पड़ेगा, हाँ घुमा के, तो अभी जितना हम इससे कर सकते हैं उतना ही करेंगे। तुम नोटिफिकेशन देख लिया आप लोगों ने, तो व्लॉगिंग विद फोन इज नॉट एट ऑल इजी इफ यू आर नॉट हैविंग एनी GoPro या फिर एक iPhone नहीं है, तो ईजी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल हो भी नहीं सकता है, हो सकता है बट ईजी भी नहीं है, प्रोसेसर बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो, एडिटिंग भी इसी पे ही, सब कुछ इसी पे, बिकॉज मेरे पे काइंड ऑफ लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ नहीं है जिस पे मैं एडिटिंग करूँ, मैं फ़ोन में ही एडिटिंग करता हूँ एंड फ़ोन से ही सब कुछ पोस्ट होता है, तो फ़ोन की स्टोरेज तो मेरी मैनेज हो जाती है जैसे तैसे, बट जो क्वालिटी है वो भी सही आ जाती है, बट एट द लास्ट हैंग बहुत होता है। कुछ टाइम बाद शायद मैं अपना मॉनिटर जो मेरे पे पहले का पूरा PC पड़ा है वो ही शायद अपना सेटअप करूँगा एंड उसी पे एडिटिंग एंड उसी से ही पोस्ट किया जाएगा, भगवान करे वो सेटअप जल्दी है। तो लेट्स गो, अब मैं सोच रहा था लेट्स चेंज नाउ, बहुत गर्मी लग रही है, पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज कर चुका है, मैंने टी शर्ट अपनी वापस डाल ली एंड मुझे अब मास्क नहीं मिल रहा, तो मैं मास्क ढूंढता हूँ पूरे घर में, जैसे ही मास्क मिलता है तो उसके बाद मास्क पहनते हैं। एंड तुम्हें एक और चीज़ बताऊँगा, तो मैंने अपना मास्क यहाँ रख दिया था, तो मास्क तो मिल गया, वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि न्यूज़ कह रहा हूँ, अपना पेन हमेशा बैंक में जाता हूँ, अपना लेके जाना, किसी और का मत लेके जाना, दीज डेज खास करके, बाकी किसी भी दिन दीज डेज अपना पेन साथ में लेके जाओ, ताकि अगर वहाँ कुछ फॉर्म वॉर्म भरते हो तो अपना पेन हमेशा अपने साथ रखना। नाउ लेट्स गो सीधे टू द बैंक। मेरा मेन बैंक जाने का रीज़न ये है कि मैंने एक पोल डाला था, क्योंकि मैं अब बहुत टाइम हो गया, मैंने कुछ अनबॉक्सिंग नहीं करी और कुछ मंगाया नहीं, तो मैंने एक पोल डाला कि मैं अब नेक्स्ट जो आइटम है वो क्या मंगाऊँ, एक H&M का ब्रांड लूँ, क्योंकि H&M में बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, मतलब कोई और ब्रांड ट्राई करूँ, तो मैंने CK दिखाया, तो CK के लिए मुझे आए, मेरा भी एटलीस्ट अंदर से मन था कि CK के लिए सब वोट करें एंड सब ने CK के लिए वोट किया, H&M के लिए भी बहुत वोट आया एंड आई फेल्ट वेरी गुड। अब मार्केट में जा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, अब रश अब बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट बंद हो चुका है, ओनली बैंक्स खुले हैं, देख सकते हो पीछे बिल्कुल सन्नाटा है एंड अप्रॉक्स 3500 का मेरे को दो चीज़ें मांगी हैं मैंने, तो CK के लिए वोट आया, पोल ख़त्म हो गया एंड बैंक से निकालते, एक्सपेंसेस मेरे पास कम हो रहे थे, मैंने सोचा मेरे सेविंग अकाउंट में पड़े, मैं उस सेविंग अकाउंट से अपने निकाल सकता हूँ, तो वहाँ से जाके लेके आता हूँ। तो
ओके मैंने जो था मैंने विदड्रॉल करा लिया है एंड बैंक से मैंने निकाल लेते पैसे एंड उसके बाद आई डोंट नो कि मेरा ऑर्डर कब आएगा. जब भी ऑर्डर आएगा आई रिसीव इट. मेरे पे एक्सपेंसेस उस टाइम पे नहीं थे. नाउ एक्सपेंसेस आई हैव इनफ टू हैव दोस. सरप्राइज रहेगा, अनबॉक्स जब करूँगा तब तुमको वीडियो मिल जाएगी दोनों की दोनों. इस बार सीके के लिए वो अच्छा है तो दोनों सीके की होंगी. बस H&M के लिए मैं नेक्स्ट टाइम मैंने एक H&M को बहुत अच्छा प्रोडक्ट देखा है. बस वो भी सरप्राइज है, वो भी जल्दी अनबॉक्स करूँगा. मेरे को तो बहुत ही पसंद आया, होप करता हूँ आप लोगों को भी वो चीज़ फिर से पसंद आएगी. आगे चलते हैं, लेट्स सी नाउ. घर चल के सीधे कंटिन्यू करेंगे. तो यार अभी टाइम हो रहा है 2:00 एंड अभी कर रहे हैं हम अपना लंच. लंच में है चने, रोटी, आलू की सब्जी और पापड़ और सैलड. तो लंच खाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में. अभी हो रहा है शाम के 6:30. तो मैंने जब व्लॉग एंड किया था उसके बाद मेरी हो गई थोड़ी तबीयत ख़राब. तो अभी है हम छत पे, जैसे कि तुम देख सकते हो तीसरी वाली छत पे. एंड शाम को इस टाइम यहीं पे आ जाते हैं टाइम पास करने करीब. एंड अभी देखो सामने अभी तो सारे दोस्त दिखा दो, सब अपनी छत पे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे. तो सबसे पहला दोस्त यहीं खड़ा है, अभी देख लो पीछे से जूम कर दो. एक स्कैलो आ गया. एंड अभी दिखाते हैं दूसरे बंदे को, दूसरा बंदा डन. तो ये देखो दूसरा बंदा ये खड़ा है अंगद यहाँ पे. यार इसी के साथ करते हैं अपना व्लॉग एंड और मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट व्लॉग में. और होप करता हूँ कल अनबॉक्सिंग कर सकूँ. यार अभी तक प्रोडक्ट शिपमेंट हुआ नहीं, मैंने उसकी ट्रैक करी थी डिटेल्स. तो डिटेल्स ट्रैक करने में दिखा रहा था कि अभी वो गुड़गांव करीब पहुँचा है, गुरुग्राम वहाँ पे अभी हब पे स्कैन हुआ है. उसके बाद वहाँ से भी निकलेगा. 3 महीने तक का डिलीवरी दिखाया हुआ है, उसके बाद ही शायद निकलेंगे वो दोनों प्रोडक्ट्स. बाकी तक तुम लोग एक्साइटेड रहना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, इंस्टा पे फॉलो कर देना डेली अपडेट्स के लिए. मीट यू सून, बाय बाय.